हमें पता ही होगा हर एक ऑल्टरनेट वर्जन में हम लोग का न्यू एक्सूट अभी रिसेंटली लॉन्च होता है। 3.1 अपडेट में हम लोग का इग्निस एक्सूट देखने को मिला, 3.2 अपडेट में हम लोग कोई भी एक्सूट नहीं आया जो करंट अपडेट है और आगे भी नहीं आएगा, ये अपडेट में कोई भी एक्सूट नहीं आने वाला। बट 3.3 अपडेट में हम लोग का एक न्यू एक्सूट आने वाला, उसका मैं आपको लिक्स दिखाने वाला, जो अर्ली लिक्स निकल का है वो दिखाऊंगा। सो दैट आप अभी से उसके लिए यूसेज जमा कर सकते हो और आगे जाकर अगर आप निकालना चाहते हो तो उसको निकाल सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी जल्दी बीजामे के अंदर एक लकी स्पिन आने वाला है। एग्जैक्ट डेट तो मुझे पता नहीं है बट वो लकी स्पिन में आपको फ्री में स्पिन करने का मौका मिलेगा, टोटली फ्री। और अगर आपका लक नेक्स्ट लेवल रहा ना तो आपको यूएमपी का स्किन 0 UC में मिल जाएगा, वो भी अपग्रेडेबल वाला, ठीक है। चलो सबसे पहले वही दिखा देता हूँ। तो करेंटली आज पबजी मोबाइल के अंदर एक लकी स्पिन आया, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। आप देखो लकी स्पिन आपको देखने को मिल रहा है। ये इवेंट जो है 1 महीने का है, बीजामे का अलग टाइम आएगा तो इसलिए मैं टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूँ। तो ये इवेंट में देखो क्या क्या रिवॉर्ड हम लोग को मिल सकता है। इधर देखो सबसे पहले लैम्बलिंग सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये सेट मिल सकता है। उसके बाद देखो मिथिक में एक और सेट है, म्यूसी सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी सेट ठीक ठाक से लग रहा है। उसके लेजेंडरी कैटेगरी में आप देख पा रहे हो रेबल ऑक्स सेट है, इसका मास्क भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सेट भी आपको ये स्क्रीन में मिल सकता है। उसके साथ साथ एक ग्रोजा का स्किन आपको दिखने को मिल रहा है, जुबिलेंट स्प्रिंग ग्रोजा आपको दिखाई दे रहा है। ये कोई अपग्रेडेबल ग्रोजा नहीं है, नॉर्मल ग्रोजा, बट इसका लुक काफी अच्छा है, ये आपको मिल सकता है। और उसके साथ साथ देखो लास्ट में अपग्रेडेबल गन है यूएमपी का, ये यूएमपी का जो स्किन है पहले एक बार क्रेट में आया था या स्पिन में आया था उस टाइम मुझे मिल चुका था। ये जो यूएमपी है ना वापस से आ रहा है, जैसे आप देखो इसमें क्लिक करेंगे, इसका नाम है कार्निवल वेव। बेसिक फॉर्म आप देख पर उसका एलिमेशन स्पेशल इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, एडवांस फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, एलिमेशन ब्रॉडकास्ट आपको दिखाई दे रहा है ठीक ठाक सा है, और ये फाइनल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो यूएमपी का स्पिन है 3.0 अपडेट का पहले लॉन्च हुआ था तो इसलिए आपको इसमें अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको हीट इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। आपको पता है 3.0 अपडेट के बाद जितना भी एपिक कैटेगरी का गन लॉन्च हुआ उसमें आपको हीट इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बट अच्छा बात यह है ना कि ये स्पिन में आप डेली का 10 UC का स्पिन तो कर ही सकते, 1 महीने का इवेंट होने वाला। उसके साथ साथ अगर आप 10 स्पिन करना चाहोगे 360 UC में आपका 10 स्पिन हो जाएगा, जिसमें अगर लक ओपी रहा तो जितना भी आइटम आपको अभी तक दिखा है वो भी मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको एक मेन मटेरियल मिल सकता है, पेंट, उसके साथ साथ पॉपुलरिटी और उसके साथ साथ एक कॉइन। तो ये जो लकी स्पिन है इसमें उतना वेस्ट आइटम नहीं है, पॉपुलरिटी भी काफी वर्क आता है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे एक कॉइन जो है ये परमानेंट कॉइन है, और अगर आपके पास अच्छा खासा कॉइन है, मतलब ये जो कॉइन है परमानेंट है, तो ऑब्वियसली काफी सारा कॉइन आप बचा कर रखे होंगे प्रीवियस वर्जन से। इसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो 200 कॉइन अगर आप कलेक्ट कर ले तो ओवरऑल तो आप ये लग यूएमपी को निकाल सकते हो, ऐसे ही निकाल सकते, स्पिन करने का जरूरत नहीं होगा, ऐसे आप निकाल के इसको अपग्रेड कर सकते हो। 200 कॉइन में आप मटेरियल भी निकाल पाओगे, उसके बाद आप देख पा रहे हो मिथिक वाला काफी सारा आउटफिट भी है, ये सब डायरेक्टली भी रिडीम कर सकते हो, ये स्पिन में नहीं है, ये 4 आइटम आपको केवल हो सकते हो रिडीम में आपको देखने को मिल रहा। अब बाकी सब आइटम तब कल अच्छा है तो स्पिन में भी निकल सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये ला स्पिन को टोटली फ्री करना है। लकी स्पिन जो आता है जिसमें आउटफिट आउटफिट मिलता है उसमें आप फ्री में स्पिन कर सकते हो, उसके लिए आपको सिंपली करना ये है कि आपको रिकॉल इवेंट में पार्टिसिपेट लेना है। काफ़ी लोग रिकॉल इवेंट में पार्टिसिपेट किए, ऑलरेडी डिटेल में इसका वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको रिडिम्सन में आपको ये अलग टोकन मिल जाता है, ये अलग वाउचर। तो ये वाउचर आपको 150 कॉइन में निकालना है, 150 कॉइन में जैसे निकालोगे तो आप जो वो स्पिन है ना लकी स्पिन टोटली 10 स्पिन को फ्री में कर सकते हो, आपको एक भी यूसेज देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा कैसे आपको कॉइन कलेक्ट करना, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ काफी पहले, वो वीडियो आप देख के आप समझ सकते हो कैसे आप कॉइन कलेक्ट कर सकते हो। आपके पास कॉइन है तो आप रिडीम कर सकते हो, अभी रिडीम नहीं करना है गाइस, जब आ जाएगा बीजामे का तब रिडीम करना। पबजी यूजर देख रहे हो तो आज आप रिडीम करके कर सकते हो, ठीक है। जब तक नहीं आता तब तक आपको रिडीम नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्ट बीजामे का डेट नहीं पता किस दिन आएगा, तो इसलिए केवल मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। कॉइन को कलेक्ट करके रखो, आपका जो टाइम पीरियड है वो देख लो, अगर टाइम पीरियड का पहले आ जाता तो आप रिडीम कर लेना, अगर टाइम पीरियड के बाद आता तो पहले आप रिडीम कर लेना, फिर नेक्स्ट वाला टाइम आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अभी रिडीम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल दिखा दिया कि ये जो लकी जो कूपन है इस वर्जन का आप यूज कर सकते हो ये वाला लकी स्पिन में, और ये आपको मोस्ट प्रॉब्ली काफी जल्दी बीजामे का देखने को मिलेगा। जब आएगा तो तब आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, मेरा भी कॉइन बचा हुआ, मैं अभी तक रिडीम नहीं किया, पिछली बार रिडीम कर लिया तो पहले यार कोई लकी स्पिन आया ही नहीं, तो कोई भी बेकार सा स्पिन में मुझे करना पड़ा, तो इसलिए इस बार वेट कर रहा हूँ, जब तक नहीं आ रहा तब तक रिडीम नहीं करूंगा। जैसे ही आ जाएगा उसके बाद हम लोग रिडीम करके उसमें फ्री में 10 स्पिन एटलीस्ट करेंगे और अपना लक ट्राई करेंगे, ठीक है। तो होपफुली अगर समझ में आ गया। उसके बाद मैं जैसे कि बताया कि नेक्स्ट अपडेट में हम लोग का एक्सूट आने वाला, ये जो एक्सूट होने वाला इसका नाम होने वाला गैलेड्रिया एक्सूट, ये लेवल 1 आपको फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा किमोनो वाला लुक आपको दिखाई दे रहा है एक्सूट का, काफी लोगों को पसंद आने वाला फीमेल कैटेगरी का,
होने वाला। तो ये सेट का पूरा लुक आप देख पा रहे, मैक्स वाला वर्जन होने वाला है। और उसके बाद आप देख पा रहे इसमें आपको MG3 का अपग्रेडेबल गन मिलने वाला है। इससे पहले इग्निस में हम लोग का AMR आया था जो कि ड्रॉप गन है, ये भी ड्रॉप गन है, बट MG3 ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो MG3 का अपग्रेडेबल गन आपको देखने को मिल रहा है, ये काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ अलग अलग लेवल देख लो, लेवल वन का तो मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद 2 स्टार का आप देख पा रहे, 2 स्टार एंड 3 स्टार ज्यादा चेंजेस नहीं है। 5 स्टार में क्लोथ देख पा ज्यादा अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। उसका 6 स्टार में आप देख पा रहे और भी क्लोथ नीचे आ चुका, एंड 7 स्टार आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जापानीज वाइब्स वाला ये वाला एक्सूट आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको अभी तक ये 3D मॉडल तो अभी नहीं मिलेगा, आपको अपडेट आने के बाद 3D मॉडल देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आपने कंप्लीट लुक तो देख ही लिया। उसके बाद आप देख पा रहे इसमें और भी मैं आपको चीजें दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ ये एक्सूट में आपको MG3 का स्किन देखने को मिलेगा। तो इधर आप देख पा रहे स्काई हंट्रेस MG3 आपको दिखाई दे, जो कि एक्सूट में आपको देखने को मिलेगा। तो लेवल 2 फॉर्म आपको देखने को मिला, लेवल 1 तो मैं दिखा दिया, तो ये आपको लुक दिखाई दे रहा कंप्लीटली। उसके बाद कुछ कुछ लेवल आप देख पा रहे, कुछ कुछ लेवल में केवल लुक चेंज नहीं होता, उसमें किल इफेक्ट भी आता है, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। लेजेंडरी कैटेगरी का गन है तो लेवल 7 तक इसमें जाने वाला है, और इसको आप अपग्रेड कर सकते हो MG3 को, बट यही है कि MG3 उतना ज्यादा मिलता नहीं है, अगर चाहोगे तो अपग्रेड कर सकते हो। मैं आपको लुक दिखा दे रहा, काफी नेक्स्ट लेवल है। एलिवेशन ब्रॉडकास्ट जैसे आ जाएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में वापस से आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख पा रहे ये जो MG3 है मिथिक तक जाने वाला लेवल 7, और ये लेवल 7 का फॉर्म काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये MG3 आप देख ले रहे जो कि आपको एक्सूट में देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ ये एक्सूट में आपको और भी कॉस्मेटिक आइटम देखने को मिलेगा। लाइक आप देख पा रहे हो सेलेस्टियल रीजन ग्लाइडर आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लाइडर आपको मिल जाएगा ये एक्सूट में। थोड़ा सा यूनिक टाइप का ग्लाइडर है, मिथिक वाला आपको देखने को मिल रहा है ग्लाइडर, काफी अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे ये बैकपैक आपको दिखाई दे रहा है, लैड्रिया बैकपैक आपको दिखाई दे रहा है, लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 ठीक ठाक सा ये एक्सूट वाला बैकपैक मिथिक वाला। उसका हेलमेट भी आप देख पा रहे ग्लाइडरिया हेलमेट, तो लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 आपको दिखाई दे रहा है। तो जितना भी अभी तक एक्सूट का लिक्स निकल के आया तो मैं आपको दिखा दिया, जैसे ही और भी लिक्स निकल के आएगा तो मैं आपको वापस से आपको दिखा दूंगा। ठीक है, एक्सूट का तो लुक आपने देख लिया होगा, आप अभी प्लान बना सकते हो कि नेक्स्ट अपडेट में आपको एक्सूट निकालना है कि नहीं। कमेंट करने के एक्सूट निकालने वाले हो कि नहीं, हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं कम से कम यूसी में इसको निकालने के लिए। इस बार भी ट्राई करेंगे कम से कम यूसी में हम लोग इसको निकालने के लिए प्रॉपरली इस बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो इतना रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।